दोस्तों आज आईपीएल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। दोनों ही टीमों को जीत की दरकार है क्योंकि दोनों ही टीमें अपना पहला पहला मैच हार चुकी हैं। मैच में पहले बल्लेबाजी सनराइजर्स हैदराबाद कर रही थी और उस वक्त एक बड़ा ही रोमांचक मोड़ आया। लगातार दो गेंदों पर जॉनी बेस्टो लगातार दो बार आउट हुए। दरअसल मैच का चौथा ओवर था और चौथे ओवर में पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे और पैट कमिंस की पांचवी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए जॉनी बेस्टो। लेकिन जॉनी बेस्टो ने रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बाद पता चला कि गेंद उनके पैर पर लगी है, जिसके बाद वो बच गए। लेकिन अगली ही गेंद पर जॉनी बेस्टो क्लीन बोल्ड हो गए, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जॉनी बेस्टो लगातार दो गेंदों पर आउट हो गए। लेकिन कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। जॉनी बेस्टो पांचवी गेंद पर तो बच गए लेकिन छठी गेंद पर जॉनी बेस्टो क्लीन बोल्ड हो गए। तो दोस्तों ये था इस मैच का रोमांचक पल।